हेलो डियर स्टूडेंट गुड आफ्टरनून दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट ई वी एस टूडे आवर टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बिफोर वी स्टार्ट वी व डिस्कस अबाउट द प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आप लोगों को मरीन पल्यूशन के बारे में और कॉजिज ऑफ मरीन पोल्यूशन भी पढ़ा था वहाँ पर आप लोगों को एंड कंट्रोल मेजर भी पड़ा था आप लोगों को मरीन पोल्यूशन का कि हाँ किस किस तरीके से हम मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है क्या क्या कॉजेस है ऐसे जिसकी वजह से मरीन पोल्यूशन होता है सबसे पहले तो आप लोगों को आ, वाटर पोल्यूशन और मरीन पल्यूशन में यानी बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं लाइक ओशन्सीस रिवर्स स्ट्रीम्स लेक पाम्स बट उनमें से मरीन पोल्यूशन जो लार्ज एरिया को कवर करते हैं लाइक ओशन सेंसीज उनमें जितने सारे पोल्यूशन होते हैं दैट्स कल द मरीन पोल्यूशन एंड हमने स्टडी किया था कि मरीन uh, पोल्यूशन में एनिमल स्पीशीज़ और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ कैसे अफेक्ट होते हैं ठीक है सो टुडे अवर टॉपिक इज़ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है Uh, इसके बहुत सारे तरीक़े हैं जिनकी वजह से हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता हैं ठीक है ये इजी भी नहीं है यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया भी है कि ये इजी भी नहीं है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना उस, उसकी कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम को सॉल्व करना भी बड़ा ईजी नहीं है ठीक है इट वुड नॉट बी मच ये देखो आप लोग uh, कितने प्रॉब्लम्स हैं uh, वाटर पोल्यूशन कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है सो so, हम यहाँ अगर डिस्कस करेंगे तो तीन चीज़ों की आ, मदद से यानी आ, तीन अलग अलग चीज़ों की मदद से हम वाटर पोल्यूशन को टेकल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को टेकल कर सकते हैं लाइक एजुकेशन लॉ एंड इकोनॉमी, ठीक है कैसे एजुकेशन के थ्रू यानी आ, पढ़ाई के थ्रू लोगों को कैसे जागरूक कर सकता है एन कानून के थ्रू एन इकॉनमी के थ्रू हम आ, एक टीम वर्क की तरह हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है सो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन की एजुकेशन से हम कैसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल्स कर सकते हैं ठीक है, है? आ, इजी बात यह है कि एजुकेशन से हम यानी ख़ासकर इन्वामेंटल स्टडी के एजुकेशन से पल्यूशन uh, के एजुकेशन से यानी जिसमें बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं सॉयल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन उन पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स uh, और ख़ासकर इन्वामेंटल स्टडीज़ में हम यही पढ़ते हैं सारे पल्यूशनस हो uh, सारे अवेयरनेस कैम्प उससे लोगों के अंदर जागरूक पैदा हो जाता है एजुकेशन से यानी मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम इस फर्स्ट सबसे सॉल्विंग ईशू यही है कि सबसे पहले तो लोगों को ही जागरूक करो ठीक है उनके अंदर जागरूकता फैलाओ उनके अंदर अवेयरनेस जगाओ कि ये पल्यूशन होने से एक उसमें जीव जंतु जो है वो कैसे इफेक्ट करता है और खासकर ह्यूमन पे इस चीज़ का किस तरह इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके फिज़िकल इन्वामेंट पे क्या असर पड़ रहा है ये सारे चीज़ें हम ख़ासकर एजुकेशन के थ्रू लोगों के अंदर अवेयर करा सकते है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल देखिए अर्ली 90s में ब्रिटेन ख़ासकर जब वहाँ पे सर्फर्स होते हैं यानी जो कोस्टल्स एरिया के अंदर बहुत सारे सर्फर्स क्या होता है कि एकदम से बीमार पड़ गए थे बहुत सारे ख़ासकर वाटर पोल्यूशन जो हमारे डोमेस्टिक सीवेज की वजह से तो उन्होंने एक सभी सर्फर्स मिलकर डोमेस्टिक uh, सीवेज के ख़िलाफ़ उनके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ मोमेंट्स uh, चलाए थे गवर्नमेंट्स uh, के ख़िलाफ़ हो यानी गवर्नमेंट uh, को ये बताना चाह रहे कि किस तरह वाटर पोल्यूशन होते हैं ठीक है बहुत सारे ख़ासकर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ख़ासकर डोमेस्टिक सीवेज़ से जिसकी वजह से ख़ासकर मरीन पोल्यूशन होते हैं और कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है जिनकी वजह से बहुत सारे कोस्टल एरिया पे कोस्टल एरियाज पे जितने सारे ख़ासकर जो भी एक्टिविटीज़ चलते हैं उनके लिए बड़ा दिक्कतें पैदा होता है और ख़ासकर जो मशवारे होते हैं यानी जो फ़िशर्समैन होते हैं उनके लिए बड़ा दिक्कतें पैदा हो जाते हैं ठीक है सो so, सबसे ज़्यादा ये कि ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस के इनमें के पॉजिटिव डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा तो पब्लिक अवेयर हो भाई पब्लिक के अंदर अवेयरनेस जगाएंगे पब्लिक के अंदर उस पोल्यूशन के कॉजेस बताएंगे उन्हें कि इसके क्या क्या कॉजेस हैं ये वजह से वाटर पोल्यूशन होते हैं इनको नहीं करना चाहिए उनके मेरिट एंडी मेरिट अगर उन्हें पता तो इसकी वजह से हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता हैं द सेकेंड थिंग इज दैट की लॉ ठीक है वन ऑफ़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद वाटर पोल्यूशन इन इट इस ट्रांसपॉन्ड्री नेचर देखो लॉ क्या है कि कैसे हम खासकर कानून के मदद से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है इसमें आप लोगों को दिया है कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो अलग अलग ख़ासकर कंट्रीज़ को पार करके जाते हैं हम अगर बेसिक एग्जांपल ले लें तो चलो हम इंडस रिवर को ही देखें इंडस वाटर ट्रीटी अगर देखा जाए तो इंडस रिवर को देखा जाए तो ये ओरिजिनेट होता है ख़ासकर तिब्बत से तिब्बत के आ, मानसरोवर लेक से जहाँ पे कैलाश माउंटेन है वहाँ से ख़ास कर होकर इंडिया के अंदर एंटर किया जाता है लद्दाख रेंज और दस रेंज के बीच से इंडिया के अंदर लद्दाख से एंटर करके यानी इंडिया में भी वो इंडस रिवर बहुत सारे जगहों पर फ्लो होता है उसमें जाने के बाद ये पाकिस्तान चला जाता है फिर पाकिस्तान से होकर अरेबियन सी में आ जाता है ठीक है तो उस इंडस रिवर पर या दूसरा हमारे पास ब्रह्मपुत्रा देखो तिब्बत से होकर इंडिया के अंदर आता है फिर बांग्लादेश चला जाता है तो तीन कंट्री को पार करता है तो उनके बीच में उन रिवर्स पे डिफरेंट डिफरेंट खासकर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के डेम्स हो बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाया जाता है जिसकी वजह से ख़ासकर कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड रहते हैं और दूसरा ये है कि एक कंट्री उस वाटर डिस में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्चार्ज कराते हैं पोल्यूशन कराते हैं जिसकी वजह से दूसरे कंट्री उसको भुगतना पड़ता है उस चीज़ पे तो ऐसा एक ऐसा कानून बनाए जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट कानून अगर बनाएंगे वाटर को लेकर वाटर ट्रीटी को लेकर तो क्या करें कि वो कंट्री पोल्यूशन से भी बचेंगे ख़ुद और दूसरे कंट्री भी उसी वाटर पोल्यूशन से बच सकता सो एनवायरमेंटल लॉ कैन मेक इट टुगेदर फॉर पीपल टू पोल्यूट बट इट टू बी रियली एफेक्टिव दे हैव टू ऑपरेट अक्रॉस नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर्स ठीक है बहुत सारे लॉस अप्लाई किया है आप लोगों को इसमें कुछ लॉस दिया गया है कि कब कब उस ओशंस के लॉस हुए थे ठीक है Uh, जैसे कि आपको इसमें दिया हुआ इंटरनेशनल लॉ ओशन को गौन करने के लिए सजिश 1982 में आप लोगों को यूएन एन कन्वेक्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी साइन बाय 120 नेशन ने साइन किया था उस पर नाइनटीन में लंदन डंपिंग कन्वेंशन चलाया था 1978 में मारपोल चलाया इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पल्यूशन फ्रॉम शिप शिप से जो पोल्यूशन होते हैं ऑयल स्पिल्स के बहुत सारे ख़ासकर कन्वेंशन um, चलाए गए हैं ऑस्पर भी चलाया गया था कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन इन्वायरमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट एटलान्टिक ओशनस में सो इस तरीके बहुत सारे इसमें आपको डायरेक्टिव दिया हुआ है इसमें कन्वेंशन दिया हुआ है जो चलाया गया है ख़ासकर वाटर पल्यूशनस को बचाने के लिए ठीक है तो तीसरा है ख़ास कर हमारे पास इकोनॉमिक ये इकोनॉमिक को हम कल एक बार रिवाइज़ करके इकॉनॉमिक और लोगों को फिनिश कर देंगे थैंक यू सो मच